हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन समान ज्ञान की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा रहेगा पार्ट थ्री। पार्ट थ्री किसका? बायोलॉजी का। हम लोग कर रहे थे साइंस पार्ट का बायोलॉजी, और उसी में आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सभी को गुड मॉर्निंग रहेगा। आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए देखेंगे आज की क्लास को। जितने लोग नए हैं वो सभी लोग और जुड़ जाएं और लोगों तक शेयर करके उन्हें भी जोड़ लें। शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि हमारी क्लासेज कौन कौन सी समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। हम लोगों ने आपके जितने भी इतिहास के जो पार्ट होते हैं, तीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने आपको पॉलिटी पूरा कंप्लीट करा दिया है, भारतीय संविधान को कंप्लीट करा दिया है, और उसके बाद हम लोग चल रहे थे आपके साइंस की ओर। और साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी को शुरू किया था, जहाँ पर कंप्लीट हो चुका है प्राणी जगत, कोशिका, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। भाई अब आगे की ओर चलते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करके अन्य सभी लोगों को जोड़ लें। देखेंगे आज की क्लास हमारा कोश का विभाजन यानी कि सेल डिवीजन से शुरू होगा। इससे पहले की क्लासेज आपको करा दी गई है, तो यहां से रहेगा हमारा कोश का विभाजन का। तो ध्यानपूर्वक कहता है, कोश का विभाजन द्वारा एक कोशिका अपने ही अनुरूप नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने की है। सर्वप्रथम किसने किया है? फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। कहता है, कोश का विभाजन जो है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है, एक आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम अमीटोसिस, मीटोसिस और मियोसिस के नाम से जानते हैं। कहता है, आसूत्री विभाजन यानी कि अमीटोसिस, इसमें एक कोशिका के दो संतति कोशिकाएं बनती है, यानी कि एक जो रहता है उसके दो संतान बनते हैं, और इस विभाजन में क्रोमोसोम एवं तर्कु तंतु नहीं होते हैं। इस प्रकार का विभाजन जो है यह जीवाणुओं में ज्यादातर पाया जाता है। उसके बाद आता है समसूत्री विभाजन, जिसे हम कहते हैं मिटोसिस। समसूत्री विभाजन जिसे हम मिटोसिस के नाम से जानते हैं, और इस विभाजन का आविष्कार किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने। जिस प्रकार से कोश का विभाजन का भी आविष्कार वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, उसी तरह से समसूत्री विभाजन का भी विकास वाल्टर फ्लेमिंग ने किया है, तथा उन्होंने ही इस विभाजन को माइटोसिस नाम दिया। और यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स में समसूत्री विभाजन होती है। बात करेंगे हम समसूत्री विभाजन की, तो इसके दो भाग होते हैं, पूर्वावस्था और पश्चावस्था, और उसके अंतर्गत और भी होते हैं, अंतरावस्था, मध्यावस्था और अंत्यावस्था। एक अंतरावस्था है, एक अंत्यावस्था है, ये दोनों को समझेंगे, ठीक है। कहता है, अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे पांच भागों में बांटा गया है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे पांच भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज जो होती है, इसमें दो समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था है। इंटरफेज यानी कि दो समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था होती है, और इसके तीन चरण होते हैं। पहला होता है जीवन अवस्था, एक होता है एस अवस्था और एक होता है जी टू अवस्था। जीवन अवस्था, इसमें सक्रिय आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है अभी आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। सभी लोग का एक समान कमेंट आना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं वो सभी का।
सभी का कमेंट आना चाहिए ताकि हम लगे कि नहीं आप इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर हमारी बातों को समझ कर जाते हैं डेली। कहता है G2 अवस्था, जिसमें कहता है समसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? G2 अवस्था करता है। फिर आता है पूर्वावस्था, जिसे हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं, और कहता है कोशिका का वास्तविक विभाजन, ध्यान से समझेंगे, कोशिका का वास्तविक विभाजन प्रोफेज से आरंभ होता है और क्रोमोसोम छोटे व मोटे हो जाते हैं तथा क्रोमोसोम अर्धगुण सूत्र में विभाजित होता है, जो कि सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से सटे होते हैं। आपको कल की एक पिक्चर हमने दिखाया था सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से आकर के ऐसा कुछ जो स्ट्रक्चर होती है, इसी में जो नीचे वाले जो भाग होती है उसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। और ये एक दूसरे से सटा होता है इस अवस्था में के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका का लोप हो जाता है, यानी कि वो विलुप्त हो जाती है। तीसरा अवस्था आता है मध्यावस्था, मध्यावस्था जिसे हम मेटाफेज कहते हैं, और इसमें क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा कोशिका के भूमध्य रेखा पर अवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। चौथा जो अवस्था होता है पश्चावस्था होता है, जिसे हम एनाफेज के नाम से जानते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर जो है दो टुकड़ों में विभाजित होता है और क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर तरकु के सहारे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं पश्चावस्था में। फिर पांचवा था हमारा अंत्यावस्था या टेलोफेज, या अवस्था प्रोफेज का लगभग उल्टा होता है। प्रोफेज का उल्टा होता है टेलोफेज, और केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका प्रकट हो जाते हैं और तर्क तंतु का लोप होता है, और इस प्रकार दो केंद्रकों का निर्माण हो जाती है। यहाँ पॉइंट समझेंगे, कहता प्रत्येक संतति कोशिका, जिसे हम डॉटर सेल कहते हैं, में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या पैरेंट सेल के बराबर होती है, और इसलिए हम विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि समान गुणसूत्र में विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। संतति कोशिका का मतलब डॉटर सेल होता है, डॉटर सेल का मतलब ये होता है, जरूरी नहीं कि डॉटर है तो यानी कि बेटी ही होगा, कहने का मतलब उसका वो बायोलॉजी वर्ड है डॉटर सेल, पर जो चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, मेल हो या फीमेल हो, उन सभी में जो जाती है कोशिका वो पैरेंट सेल के बराबर ही होती है। आगे आता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। मियोसिस जो होता है यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसके मध्य में जंतु में शुक्राणु एवं अंडाणु, जंतुओं में क्या होती है शुक्राणु एवं अंडाणु, तथा पौधों में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं, और इस विभाजन में एक जनक कोशिका से चार संतति कोशिका का निर्माण होता है तथा विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस कहता है कि केवल जनन कोशिका में होगा, यानी कि वैसा कोशिका जो जिसमें जनन करने की क्षमता होती है, और इसके माध्यम से जबकि अंडाणु जो है पार्ट ऑफ फीमेल है, इन दोनों में तथा पौधों में जो होता है वह नर एवं मादा गैमेट होती है, और इस विभाजन में जो जनक कोशिका होता है यानी कि पेरेंट सेल होता है उससे चार डॉटर सेल का निर्माण होता है, और इस कारण से इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी आधी रह जाती है, और इस कारण हम इसे अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने की तथा फॉर्मर एवं मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। मियोसिस नाम देने का काम किया था फॉर्मर मूरे, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? बीजमैन ने किया था। यहां देखेंगे मियोसिस को कुछ अलग अलग फेज में बांटा गया है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है।
तो समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन के अंतर्गत प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीली फेज वन आते हैं। फिर आता है प्रोफेज वन में लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। मियोसिस टू में आता है प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलीफेज टू। ये आते हैं मियोसिस के कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर दिए गए हैं। यहाँ आते हैं हम अर्धसूत्र की ओर, रिडक्शन डिवीजन की ओर, जिसमें प्रोफेज वन जो है यह सबसे लंबी अवस्था है। सबसे लंबी अवस्था कौन होती है? प्रोफेज वन होती है, जिसके पांच उप अवस्था भी होती है, यानी कि सब डिवीजन भी होती है प्रोफेज वन की। यहां देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। लेप्टोटीन, यहां पर समझने का प्रयास करना होगा आपको। लेप्टोटीन जो होता है गुणसूत्र पतले धागे की तरह दिखाई देता है तथा गुणित होती है। लेप्टोटीन में जो गुणसूत्र होता है क्रोमैनिमेटा की तरह दिखाई देता है और डिप्लॉयड होते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप डेली इसको पहले घर पर ही एक बार पढ़कर आए, ठीक है? अगर एक बार घर पर पढ़कर आते हैं तो आपके माइंड में थोड़ा ज्यादा ही समाहित होगा। तो खुद को इसमें समाहित करने के लिए आप एक बार इसका रिवीजन करके डेली आए। डेली कम से कम दो चैप्टर को पढ़ लिया करें, ज्यादा कुछ नहीं, ओवरव्यू सिर्फ एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। जब हम यहाँ पर क्लास में कराएंगे तब वो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इन बातों से कौन कौन सहमत हैं एक बार थम्स अप करके बताएंगे। आगे कहता है जायगोटिन। जायगोटिन जो है यह होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, समजातीय गुणसूत्र होती है और जिसे सिनेप्सिस भी कहते हैं। पैकेटीन की बात करें तो प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे एवं मोटे होते हैं और द्विज में विभाजन से चार क्रोमैटिड बनते हैं, जिसे चतुष्टक कहते हैं, जिसे हम टेरेटेड कहते हैं। और इस उप अवस्था में समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिडों व दूसरे गुणसूत्रों के क्रोमैटिडों के बीच हिस्सा का वास्तविक आदान प्रदान होता है, जिसे जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और रिकॉम्बिनेज एंजाइम जीन विनिमय इसमें सहायक होता है। ये ध्यान रखेंगे रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है जीन विनिमय में यानी कि जीन डिवीजन में क्या होता है? सहायक होता है। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो है यह जब समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं लेकिन जोड़े के दो सदस्य पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते, वे कहीं कहीं आपस में जुड़े रहते हैं। इन स्थानों को हम काईजेमटमा के नाम से जानते हैं। फिर आता है डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस जो है केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका के लोप हो जाता है एवं काईजेमटा की संख्या कम हो जाती है और इनका अत्यन्नीकरण हो जाता है। फिर आता है मेटाफेज वन जो कि द्विज क्रोमोसोम भूमध्य रेखा पर अवस्थित होता है। एनाफेज वन सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है लेकिन वे अलग होकर कोशिका के दो ध्रुवों पर चले जाते हैं और इस अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता बल्कि समजात गुणसूत्रों के अलग होने के गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती हैप्लॉयड हो जाती है। फिर आता है टीलोफेज वन जो कि प्रत्येक ध्रुव पर एक केंद्रक बन जाता है और कोशिका दो भागों में बट जाती है, ठीक है? ये सभी जो है आपको हम बुक में दी गई है इस कारण से बता रहे हैं, पर आपके वन डे एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, होमोटाइपिक डिवीजन। इस विभाजन में चार अवस्थाएं होती है तथा यह विभाजन माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के अंत में चार कोशिकाएं बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रहती है। आता है समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, इससे समझेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन और यह केवल शारीरिक या कायिक सेल में पाया जाता है। शारीरिक या कायिक सेल में पाया जाता है समसूत्री विभाजन, जबकि अर्धसूत्री विभाजन आपका जनन कोशिका यानी कि सेक्स सेल में पाया जाता है। और समसूत्री विभाजन जो है इसमें कोशिका का विभाजन एक बार होता है पर समान रूप से होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन दो बार होता है।
समसूत्री विभाजन एक जनक से दो संतति कोशिकाओं का यानी दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन चार संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर। फिर आता है यहां पर दिया गया है, आगे है सिनेप्सिस अनुपस्थित होता है किसमें, समसूत्री विभाजन में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिन प्रोफेज वन में पाया जाता है। पांचवा अंतर है जीन क्रॉसिंग नहीं होने से संतति कोशिकाओं के क्रोमोसोम की जीन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीन क्या, जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होने के कारण समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के क्रोमोसोम की जो जीन व्यवस्था होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर कहता है अर्धसूत्री विभाजन में जो अर्धसूत्री वन में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण संतति कोशिकाओं में जीन व्यवस्था में परिवर्तन होता है एवं आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। छठा होता है प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका की गुणसूत्र संख्या के बराबर होता है यानी कि 2n होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है, n कोशिकाओं की संख्या गुणसूत्र की आधी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा अगला चैप्टर आएगा वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी की ओर चलेंगे। यहाँ तक जिनको समझ में आ गया है, जो शेयर कर दिए हैं वो एक बार थम्स अप कीजिए, जो नहीं शेयर किए हैं वो शेयर कर दे, ठीक है। कहता है वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी, बोटनी में आपको बहुत सारे कुछ समझने होंगे जो कि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछने वाली यहां से मिलते हैं, ठीक है। ये बोटनी आपको समझकर चलना होगा, ये ध्यान रखें। पहला कहता है आकार की, जिसे हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं और यहीं से आपका सारा कुछ शुरुआत होती है बोटनी में जानने के लिए। कहता है मॉर्फोलॉजी पेड़ पौधों के आकार या रूप अर्थात बाह्य आकृति का अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, आकार की अध्ययन। अगर आकार की को अगर आप तोड़ देते हैं तो डायरेक्ट इसमें ही दिख रहा है आकार की, यानी कि बनावट की, यानी कि पेड़ पौधों के आकार जो होते हैं, रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, उसकी बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बारे में अगर हम कोई अध्ययन करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानेंगे। कहता है पौधों के अंग, पौधों के अंग में सबसे पहला आता है आपका जड़ यानी कि रूट, और पौधों का वह भाग जो बीज के मूलांकुर से विकसित होता है, और नीचे की ओर जमीन में जाता है जड़ कहलाता है, मूलांकुर का सीधा बढ़ता हुआ भाग प्राथमिक मूलांकुर कहलाता है, या मूल जो है यहाँ पर जो रूट है ये समझेंगे, इसमें मुख्य रूप से आपको जो यहाँ पर हमने बताया मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि मूलांकुर जो है सीधा, अगर आप इस पेड़ में देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक सीधा सा रूट दिखाई देगा, खास करके अगर आप लोग अगर मूली को उखाड़े होंगे, मूली को अगर आप जड़ से उखाड़ते तो उसमें एक ही जड़ होता है जो बहुत सीधा नीचे की ओर जाता है, वही कहलाता है मूलांकुर का सीधा बढ़ता हुआ भाग, जिसे हम प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आता है जड़ के प्रकार, जड़ जो है यहां पर पहला आता है मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट के नाम से, पागलों का झुंड, ओके पूजा जी, देखिए कहता है मूसला जड़ यानी कि टैप रूट, कहता है जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है उसे हम मूसला जड़ कहते हैं, जैसे आम दलहन इत्यादि, यानी कि जब प्राथमिक मूल जीवित रूप में रहता है तब वह हमारा टैप रूट के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां पर दिया गया है मूसला जड़ यानी कि टैप रूट को भी तीन भाग में बांटा गया है, फ्यूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म और कोनिकल।
तर्क रूप यानी कि आपका मूली, कुंभी रूप यानी कि सलजम और चुकंदर, शंकु रूप यानी कि गाजर, ये सभी जो है मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी का गुड मॉर्निंग रहेगा। कहता है अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंशन जो रूट होती है, एडवेंटेटिव्स रूट, उसके बारे में कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, जैसे धान, प्याज, मक्का इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेड़ कुछ इस तरह से है, इसमें जो एक भाग, इसमें आपका जो ये नीचे की ओर जो जा रहा है, सीधा जाता है, उसे हम मूसला जड़ कहते हैं, आपका टैप रूट कहते हैं। जबकि इसके बाहरी जितने भी बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे निकलते हैं, जो कि उसे सपोर्ट देने का काम करता है, सपोर्टर के रूप में काम करता है, उसे हम अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ है जड़ों का रूपांतरण। जड़ों का रूपांतरण जो है, मूसला जड़ों का रूपांतरण मुख्यतः भोजन संग्रह के लिए होता है। मुख्यतः मूसला जड़ यानी कि टैप रूट का रूपांतरण किसके लिए होता है? भोजन संग्रह के लिए। ये अपनी भोजन की तलाश में सीधे नीचे की ओर, नीचे की ओर जाता जाता है, जब तक कि इसे भोजन नहीं मिल पाए। उसके बाद कहता है तथा स्थानिक जड़ों का रूपांतरण भोजन संग्रह एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो यहां से मुख्य रूप से आपको दो पॉइंट अब याद रखने होंगे। जो टैप रूट होगा, टैप रूट जो होगा ये आपको भोजन ला करके देगा। भोजन की खोज में ये आगे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, जब तक कि इसे भोजन ना मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो अपस्थानिक रूट होता है ये उसको सहारा देता है। जिस प्रकार से अगर आप हम अपने जीवन पे फिलहाल के लिए अगर उस पे देखें, तो हमारी जो चाहत है वो है जॉब, 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 यानी कि हम ऊपर की ओर, यानी कि जो जिसकी तलाश में जा रहे हैं वो हमारा है टैप रूट, और उसमें जो सपोर्ट करने का काम कर रहा है वो हमारा है गार्जियन, यानी कि जो सपोर्टिंग रोल में है वह है अपस्थानिक जड़। इस बात को अपने जीवन से अगर रिलेट करके देखते हैं तो ये खुद ब खुद आपके अंतर्गत समाहित हुई रहेगी। फिर आता है अपस्थानिक जड़ में कुछ अलग अलग भाग होते हैं, जैसे एक होता है जो भोजन संग्रह करता है और एक होता है यांत्रिक सहारा देता है। भोजन संग्रह करने वाले में कंदील होते हैं, पुलिकित होते हैं और ग्रंथिल होते हैं। कंदील का मतलब होता है ट्यूबरस, जो कि ट्यूब जैसा उसमें उत्पन्न होता है, जो कि शकरकंद। शकरकंद आपने देखा होगा ट्यूब जैसा एकदम गोलाकार होता है। पुलिकित होता है जो कि डहलिया होती है, और ग्रंथिल होता है आम, हल्दी, नूडल्स के जैसा। फिर आता है यांत्रिक सहारा। यांत्रिक सहारा में दो तरह के होते हैं, स्तंभ रूट जिसे हम प्रोप रूट कहते हैं बरगद, और अपस्तंभ रूट जिसे हम गन्ना या मक्का के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो प्रोप रूट दिया गया है बरगद वाली, आपने देखा होगा बरगद की जो मेन टहनी होती है, तना होता है, उसके बाहरी जो लटका हुआ रहता है, जिसमें आपने बहुत सारे लोग बचपन में झूला झूले होंगे। कौन कौन झूले हैं एक बार थम्स अप करेंगे, कमेंट करेंगे, और झूले पर से गिरे कौन कौन है। ठीक है, ये वही प्रोप रूट है जिसे लटक करके आप झूला झूला करते थे और वहां से गिरा करते थे। आगे है यहां पर कुछ अन्य प्रकार की जड़ें, जैसा है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोमोरफोर जो है ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समझने का प्रयास करना होगा। न्यूमेटोफोर जो होता है दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार की जड़ें होती है, जैसे राइजोफोरा। यानी कि यहां से आपसे प्रश्न करेगा राइजोफोरा कैसी क्षेत्र में पाई जाती है, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, और इसके श्वसन के लिए कौन सी जड़ें होती है? न्यूमेटोफोरा होती है। फिर आता है दूसरा फर्नमूल। फर्नमूल जो कि लीफ रूट्स होता है, और कुछ पौधों की पत्तियों में पतली अपस्थानिक जड़ें निकली होती है, जिन्हें हम फर्नमूल के नाम से जानते हैं, जैसे अजूबा। अजूबा जिसे हम ब्रायोफाइलम के नाम से जानते हैं। ओके,
अधिपादप मूल की बात करें, इफी रूट्स, ये जड़े अधिपादप से निकलकर हवा में लटकी रहती है। हवा में लटकने वाली जो आप लोग गिरे हैं वही हवा में लटकने वाली है, और इनमें विलोमन उत्तक होता है, बेलमन टिश्यू होता है। विलोमन उत्तक किसमें होगा? हवा में लटकने वाली में, जो नमी अवशोषित करती है। इन्हें वायवीय जड़ भी कहते हैं, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड आपने देखा होगा ये दूसरे पेड़ों पर निर्भर होता है, और इसमें जो होती है जड़ लटका हुआ रहता है नीचे। बहुत सारे पेड़ पर, खास करके ज्यादातर आपको नीम आम ये सब के पेड़ पर दिखाई देगा। ऑर्किड जो है ये विलोमन उत्तक होता है, वेलमेन टिश्यू पाई जाती है जो नमी अवशोषित करता है। ये इसको जल से उतना मतलब नहीं रहता है, नमी अवशोषित करता है दूसरे पेड़ पर रह करके, और यह वायवीय जड़ के नाम से, एपिफाइटिक रूट के नाम से जाना जाता है। सर मैं आपके वीडियो को ही फॉलो करता हूँ, आपका वीडियो बहुत गजब रहता है। थैंक यू महेश जी, अभी भी झूलते हैं, अब गिरिएगा तो हाथ पर नीचे जाएगा। आगे आता है हमारा परजीवी मूल, पैरासाइटिक रूट्स। कहता है परजीवी पौधों की जड़ें पोषी पौधों में प्रवेश कर उसमें भोजन प्राप्त करता है, जैसे अमरवेल। अमरवेल जो का होता है यह भी आपका किस तरह से है, परजीवी मूल है, पैरासाइटिक रूट है, और परजीवी पौधों में जड़ पोषी पौधों में, किसमें? पोषी पौधों में प्रवेश करके उससे भोजन प्राप्त करता है। ये होता है कसकुटा, कसकुटा यानी कि अमरवेल। पौधा का दूसरा भाग आता है तना, जिसे हम स्टेम के नाम से जानते हैं। पौधों का वह भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है तना कहलाता है। पौधों का वह भाग जो बीज के प्रांकुर से उत्पन्न होता है तना कहलाता है, और यह जमीन के ऊपर रहता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में प्रकाश की ओर बढ़ता है, और तना में पर्व संधि उपस्थित होते हैं। ये वाला बात आपको ध्यान रखना होगा, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत या सीधा, ठीक है? तो तना जो होती है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठती है, ऊपर की ओर उठती है, और इसमें नोड एवं इंटरनोड उपस्थित होते हैं, पर्व संधि और पर्व दोनों उपस्थित होते हैं तना में। फिर कहता है तना का रूपांतरण सामान्य कार्य के अतिरिक्त विशेष कार्य के लिए भी रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे हम तना का रूपांतरण कहते हैं। तना का रूपांतरण के अंतर्गत देखेंगे ये मुख्य रूप से पहले तीन रूप से बांटा गया, भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड, फिर होता है सबरियल यानी कि भूतलीय, और एरियल यानी कि आकाशीय। तीन प्रकार से वैसे बढ़ता है, फिर उसके बाद अलग अलग रूप में ये बढ़ते हुए आती है, ठीक है? यहाँ पर जो आप एक ये समझ ले खाली, भूमिगत रूपांतरण यहाँ आपको दिख रहा होगा अंडरग्राउंड वाला में, इसमें आप देखेंगे तो ये प्रकंद, धनकंद, शल्ककंद और कंद, ये चार चीज आपको दिख रहा होगा, ये चार, ठीक है? कंद, शल्ककंद, धनकंद और प्रकंद। प्रकंद की बात करें यानी जिसे हम राइजोम कहते हैं, राइजोम में अदरक और हल्दी आता है। हल्दी और अदरक किसका उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण है, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछी जाती है। फिर धनकंद की कहते हैं कोर्म, जो कि ओल और अरबी होता है। शल्ककंद की बात करें जिसे बल्ब कहते हैं, प्याज और लहसुन में बल्ब होता है, और आलू जो है यह ट्यूबर होता है, कंद होता है। फिर आते हैं लीफ की ओर, पसर उपांगों से निकलने वाली पतली एवं चपटी रचनाएं हैं, और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन में सहायक होती है। पत्तियों का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, बाष्पोत्सर्जन करना और श्वसन क्रिया में सहायक होना। हमें नहीं लगता ये सब आपको समझाने की जरूरत है, ये सब 9th-10th में ही बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा। फिर आता है पत्तियों का रूपांतरण, जो कि विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए पत्तियां निम्न प्रकार से रूपांतरित होती है। पहला आता है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का रूपांतरण दो भाग से और फिर चार भाग से टोटल की गई है। पर्णप्रतान यानी कि लीफ ट्रेंडिल मटर, पर्णप्रिभान फाइलोड ऑस्ट्रेलियन बबूल, घटपर्णी, इसे याद रखेंगे, घटपर्णी को पत्ती का रूपांतरण है। घटपर्णी जो होता है ये कलश पौधा जो होता है, कलश वाला जैसा, कलश के जैसा बना रहता है, ये किसका रूपांतरण है? पत्तियों का रूपांतरण है। और उसके बाद कोशाकार यानी ब्लैडर जो है, ब्लैडर वर्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ रहा है, डायरेक्ट घुसने वाला,
ठीक है। कहता है कीट भक्षी पौधे कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट, निफेंथिस और ब्लैडर वोट। ये जो है पौधे जो कीटों को खाते हैं वो किसके लिए खाते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसके अंतर्गत यानी कि कौन कौन से पौधे आते हैं, तो पीचर प्लांट जिसे हम कलश पौधा कहते हैं, फिर निपैथन्स और ब्लैडर वॉट यूट्रिकुलेरिया, ये तीन फल पौधे जो हैं ये आप कीटों को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और किस लिए खाते हैं, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए खाते हैं। फिर आता है हमारा पुष्प फ्लावर। पुष्प फ्लावर जो कि कहता है पुष्प के अध्ययन को हम एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। और पुष्प द्वारा आवृत बीजी पौधे में लैंगिक जनन का कार्य संपन्न होता है। एंजियोस्पर्म्स में लैंगिक जनन के बारे में संपन्न होती है। पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प के निम्न भाग होते हैं। पहला पुष्प वृंत यानी कि जिसे पेडिकल कहते हैं, पुष्प वृंत पुष्प पर लगे डंठल को कहते हैं। इसकी चोटी बढ़कर थैलमस बनाती है जिससे सभी पुष्पीय अंग जुड़े होते हैं, ठीक है। पुष्पासन यानी कि थैलमस कौन बनाता है, तो पुष्प वृंत बनाता है, डंठल बनाती है। फिर आता है बाह्य दलपन जिसे कैलिक्स कहते हैं। इसकी इकाई बाह्य दलपन होती है। यह पुष्प का बाहरी चक्र और हरे रंग का होता है। आपने अगर इसको समझना है तो एक ओढ़ूल का फूल देखेंगे। ओढ़ूल का जो फूल होता है उसमें आपको वो सभी चीज दिखता है जो कि पौधे की जो पुष्प होती है उसमें दिखती है, ठीक है। कहता है दलपुंज कोरेला जो कहता है इसकी इकाई दलपत्र है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो रंगीन होता है। यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। फिर आता है एंड्रोसियम जिसे पुमांग कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा भाग होता है जो दलपुंज को ढका रहता है। दलपुंज को ढकने का काम कौन करेगा, आपका पुमांग करता है। और यह नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। ये खास करके याद रखेंगे पौधों का यानी पुष्पों का नर जनन अंग क्या होता है, यानी कि मेल जो होता है वह कौन होता है, आपका एंड्रोसियम जिसे हम पुमांग के नाम से जानते हैं। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर पराग कोष तथा तंतु यानी कि फिलामेंट से मिलकर बना होता है। पराग कोष में परागण पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा समझ करके लेना होगा आपको पुमंग को। हम लास्ट में इसका एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएंगे। आगे आता है जयांग। जयांग जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। यह पुष्प के केंद्र में मादा जनन अंग होता है, फीमेल होता है जयांग। और इसकी इकाई अंडप होती है, कार्पेल होता है। प्रत्येक अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, ओवरी में ही ओब्यूल पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप पुष्प को लेकर के। कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को हम फ्लावर कहते हैं, सॉरी एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म लैंगिक जनन कार्य संपन्न करता है। इसके अंतर्गत आपके चार भाग होते हैं। वो चार भाग कौन कौन से हैं, पुष्प वृंत, इसके अंतर्गत आपके पुष्प वृंत आते हैं। और पुष्प वृंत में चोटी बढ़कर जो होती है डंठल की ओर होती है। साथ ही बाह्य दलपुंज आता है, यह पुष्प की बाहरी इकाई होती है जो चक्र और हरे रंग की होती है। यहां पर देखिएगा ये हमने इसे ड्रॉ किया है, ओरहुल का फूल अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ है, आप समझने का प्रयास करेंगे। हम फिर से इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से अरहुल का जो फूल होता है उसमें एक हरा रंग का पत्ती दिखाई देता है और उसके ऊपर में लाल रंग की पत्तियां बिखरी हुई होती है और उसके ऊपर एक कुछ इस तरह से ऐसे निकला हुआ एक डंठल रहता है, ठीक है। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो क्या होती है, सबसे पहले आपका पुष्प वृंत जो कि यह डंठल से लगा होता है, ये वाली जो भाग है यह आपका पुष्प वृंत है, ठीक है। उसके बाद आता है बाह्य दलपुंज जो पुष्प का बाहरी भाग होता है, ये वाला,
ये जो भाग हमने आपको दिखाया है हरा वाला, ये आपका होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है दलपुंज, जो कि इकाई दलपत्र होता है ये वाला। ये जो आपको पत्ता दिखाई दे रहा है, ये आपका दलपत्र है और यह रंगीन होता है। रंगीन किस कारण से होता है? आकर्षित करने के लिए। एक दूसरे को आकर्षित करना है तो थोड़ा सा आप आटा वगैरह लगाया करो, आकर्षित होते रहोगे, ठीक है? मेकअप वगैरह करते रहो, आकर्षित होगे, वही काम करता है। पुष्प का जो दलपुंज होता है, कोरोला होता है ना, कोरोला जो होता है आकर्षित करने का काम करता है। और यही आकर्षण के कारण जो कीड़े होते हैं, कीड़ा में खुद को भी समाहित कर सकते हो, ठीक है? कीड़ा जो होता है वो आकर्षित होकर के जाता है और घटपर्णी जैसे पौधों में फंस कर उसके नाइट्रोजन का काम कर जाता है। तो आकर्षण मत होना, ठीक है? दलपुंज कहता है कि यह रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है, जिसे हम कोरोला कहते हैं। फिर कहता है पुमंग। पुमंग जो होता है यह पुष्प का तीसरा भाग होता है, जो दलपुंज को ढका रहता है। पुमंग सबसे बड़ा है, यहां पर होता है, ठीक है? पुमंग जो होता है यहां पर होता है, जो क्या करता है पुमंग, और इसमें क्या होती है, ये नर जननांग होता है। खास करके पुमंग को याद रखेंगे कि ये नर जननांग होती है और इसकी काई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर पराग कोण तथा फिलामेंट से मिलकर बना होता है और पराग कोष में ही पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका जयांग, जो कि केंद्रक में मादा जननांग होती है। जयांग जो होता है केंद्रक में मादा जननांग होती है। ये सभी पार्ट आपको याद रखना होगा। और जो मादा जननांग होता है, इसी के अंतर्गत आपका स्टिग्मा, ओबरी और स्टाइल पाए जाते हैं और इसमें बीजांड पाया जाता है। अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना होगा कि बनना है तो क्या बनो, आप अंदर की पार्ट बनो, यानी कि आप बन सकते हो क्या, पुष्पवृंत बनो, दलपुंज बनोगे तब दलपुंज के चक्कर में फंसोगे तो जाओगे। आगे देखो, कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को भी समझना होगा आपको। कहता है पराग कोष से पराग कण का निकलकर अंडप यानी कि कार्वेल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। जो पराग कोष होता है ये कहां पर, पुमंग में पाया जाता है, मेल अंग होता है, ठीक है? और ये पराग कण से निकलकर अंडप की ओर यानी कि जयांग की ओर जब अगर ये बढ़ता है, तब उस बीच में वर्तिकाग्र यानी कि जो जयांग की पार्ट होती है वर्तिकाग्र, उसमें पहुंचता है, उसके बाद परागण करता है। परागण जो होता है यह दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कहता है यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण कहलाता है। यानी कि उसी पुष्प पर होगा तो स्वपरागण कहलाएगा, जैसे कॉमेलिना। फिर परपरागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं, जैसे पपीता, करेला, ये सभी। यानी कि हम सब जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, अगर पौधों से रिलेट करें तो, ठीक है? उसके बाद हम आगे आते हैं निषेचन की ओर, फर्टिलाइजेशन की ओर, जो कहता है वर्तिकाग्र पर पहुंचकर पराग कण अंकुरित होते हैं और उनमें पराग नली, जिसे हम पोलन ट्यूब बनती है, पराग नली वर्तिका को भेदते हुए अंडाशय में पहुंचती है। पराग नलिका बीजांड में घुसकर अपना अंश उसमें छोड़ देती है। इसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मानव से संबंधित, उसमें हम आपको और भी अच्छे तरीका से समझाएंगे, ठीक है? जो ये काम क्या किया, निषेचन क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र होता है यानी कि स्टिग्मा जो होता है, ये पराग कण अंकुरित होते हुए पराग नलिका में बनती है और पराग नलिका जो होती है वर्तिका को भेदते हुए ओवरी में पहुंचता है और वहां पर अपनी जो बीजांड होती है, अपनी जो अंश होती है, उसे ओव्यूल को छोड़ देता है और इस प्रकार वह फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। कहता है परागनलिका में दो नर युग्मक होते हैं, इनमें एक मादा युग्मक से निकलकर युग्मनज बनाता है, इसके विकास में इम्ब्रियो बनता है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है? युग्मनज के कारण ही नए पौधे का निर्माण होता है, इम्ब्रियो का बनना होता है।
फिर आता है दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक में संयोग करता है जिससे भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनता है। आगे कहता है बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय में भी निषेचन के बाद परिवर्तन होता है और फल बनता है। बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा होता है। फिर आता है फल यानी कि फ्रूट्स, यानी कि हमने निषेचन कर लिया, पॉलिनेशन भी हो गई, इन सब के बाद जो फल तैयार हो गया यानी कि इम्ब्रियो, पहले तो ऑलरेडी जब बीजांड से बीज बन गया था इम्ब्रियो तैयार हो गई थी, अब इम्ब्रियो के बाद क्या निकलेगा? फल ही निकलेगा। तो अब फल के बारे में जानते हैं, तो कहता है परिपक्व अंडाशय से निषेचन के बाद फल बनता है जिसमें दो प्रकार की होती है, एक अनिषेक फल होता है, अनिषेक फल में उसे अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है। इसके बारे में अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंतर्गत देखें तो जिन फलों का विकास बिना निषेचन के होता है उसे हम अनिषेक फल कहते हैं, जैसे अंगूर और केला। अंगूर और केला जो है यह बिना निषेचन के होता है। फल की एक भित्ति होती है जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल शुष्क एवं मांसल होते हैं। मांसल फलों में फल भित्ति तीन भाग में विभक्त होती है। पहला होता है एपिकार्प, फिर होता है मीजोकार्प और तीसरा होता है इंडोकार्प। एपिकार्प जो बाहर होता है, मीजोकार्प जो बीच के मांसल में होता है और इंडोकार्प में बाहरी होती भीतरी होती है। एपिकार्प भीतरी। यहां ध्यान देंगे नारियल में मध्य भित्ति यानी कि मीजोकार्प रेशेदार होती है। नारियल का मीजोकार्प ही रेशेदार होता है जो हम लोग खाते हैं। फिर यहां दिया गया है फल का वर्गीकरण कुछ तीन भाग से, साधारण फल यानी सिंपल फ्रूट के अंतर्गत आम जामुन अनार, एग्रीगेट फ्रूट के अंतर्गत शरीफा और रसभरी, मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट संग्रहित फल के अंतर्गत कटहल सहतूत और पीपल आते हैं। विकास के आधार पर फल को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। सत्य फल में इन फलों का विकास अंडाशय से यानी कि ओवरी से होता है, जैसे आम नारियल केला। आम नारियल केला ये सभी आपका सत्य फल के अंतर्गत आता है जिसका विकास ओवरी से होता है। एक असत्य फल वाला आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है जिसका एग्जाम्पल आपको सेब दिखाई देगा। असत्य फल कहता है इन फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है, जिसे जैसे सेब नाशपाती, यानी कि एक तरह से हम इसको कह सकते हैं नाजायज, है ना, जो कह सकते हैं कि अपने अंडाशय को छोड़कर के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होता है उसे हम असत्य फल फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, जो होता है सेब और नाशपाती। यहां पर दिया गया है कुछ फलों के खाने योग्य जो भाग होते हैं जिससे कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आता है गेहूं, मक्का जो कि उसके हम खाते भ्रूणपोष को, आम के मध्य फल भित्ति जिसको मेजोकार्प कहते हैं, सेब नाशपाती के पुष्पासन खाते हैं, सहतूत के परिदलपुंज खाते हैं, कटहल के परिदलपुंज और बीज खाते हैं, अनार के बीज का बाहरी आवरण, केला का मध्य एवं अंत भित्ति, लीची का एरिल खाते हैं, जिस पर टिकआउट कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीची का एरिल खाते हैं, चना का बीज पत्र खाते हैं, मूंग फली का भ्रूण खाते हैं, अंगूर का आप फल भित्ति खाएंगे, सिंघाड़ा अमरुद का बीजांडासन, सिंघाड़ा का बीजपत्र, काजू का पुष्पवृंत एवं बीजपत्र, टमाटर का आप खाएंगे फल भित्ति एवं बीजांडासन, बेर का बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूणपोष, इमली का मध्य फल भित्ति और तरबूज का फल भित्ति आप खाते हैं। उसके बाद अब हम आएंगे पादप उत्तक की ओर। तो यहां तक आपको समझ में आई है तो एक बार थम्स अप करेंगे, कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार थम्स अप जरूर करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम पादप उत्तक की ओर। आइए चलते हैं हम पादप उत्तक की ओर। कहता है उत्तक यानी कि टिश्यू, एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं, और जो एक ही प्रकार का कार्य या अन्य कार्य करते हैं उसे उत्तक कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर कहता है
दूसरे शब्दों में कोशिकाओं के वैसे समूह जिनका कार्य एवं उत्पत्ति समान होता है उत्तक कहलाता है। यहां आता है उत्तकों के प्रकार दिए गए हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू जो कि कुछ इस प्रकार से इसको इतने भागों में बांटा गया है। ठीक है, विभाज्य उत्तकी उत्तक, अस्थायी उत्तक, शीर्षस्थ उत्तक, ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जब इसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे तब वहां पर समझ में आ जाएगी। देखेंगे विभाज्योत्तकी उत्तक, विभाज्योत्तकी उत्तक जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। कहता है विभाज्योत्तकी उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है, इसकी आकृति गोल, अंडाकार एवं बहुभुजी होती है, इसमें अंतरकोश की अवकाश नहीं होता है, इनकी दीवार पतली व एक समान होती है, रिक्तियां या तो छोटी होती है या छोटी होती ही नहीं है, इन कोशिकाओं में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य होता है। विभाज्योत्तकी उत्तक में कोशिका और केंद्रक द्रव्य होता है। स्थिति के आधार पर विभाज्योत्तकी को भी तीन भाग में बांटा गया है। पहला होता है शीर्षस्थ जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, यह उत्तक जड़ व तना के अग्र भाग में पाए जाते हैं, इनके विभाजन से पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। यानी कि विभाज्योत्तकी उत्तक के शीर्षस्थ विभाज्योत्तक से पौधे लंबाई में बढ़ता है और इसका जड़ व तना आगे की ओर पाया जाता है। फिर आता है अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक, ये शीर्षस्थ विभाज्योत्तक के ही भाग हैं, ये वृद्धि के कारण शीर्ष भाग से हटकर अस्थायी उत्तक के बीच अवस्थित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप ये घास के तनों के नीचे में पर्व संधि इंटरनोट एवं शीत पट्टियों के आधार और पर्णक संधि पर स्थान पर पाए जाते हैं। तीसरा था पसर विभाज्योत्तक जिसे लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ये उत्तक तने और जड़ों के किनारों पर होते हैं और केवल पार्श्व दिशा यानी कि लैटरल यानी कि नीचे लेटी हुई ऐसा ये चलता है। ये पौधे में द्वितीयक वृद्धि कराते हैं जैसे कैम्बियन, कॉर्कॉम्बियन, इसमें पौधों की मोटाई बढ़ती है। पौधों की मोटाई के लिए पार्श्व विभाज्योत्तक जो सोया हुआ रहेगा वो मोटा होएगा ही, वही काम है। फिर आता है परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक, जो है अस्थायी उत्तक का निर्माण उन कोशिकाओं से होती है जो अपनी विभाजन क्षमता खो देती है। अस्थायी उत्तक का निर्माण विभाजन क्षमता खोने के कारण होता है और ये भी तीन प्रकार से होती है। पहला आता है साधारण उत्तक, ये उत्तक समान आकृति वाली कोशिकाओं में बने होते हैं तथा सभी कोशिकाएं सामान्य कार्य करती है। जिसमें आता है मृदु उत्तक पैरेन्काइमा, इसको याद रखना होगा, मृदु उत्तक को याद रखें, ये कोशिकाएं सदैव जीवित समव्यासी अंतरकोशिकीय अवकाशों सहित गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम का अधिकांश भाग मृदु उत्तक का बना होता है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि जाइलम फ्लोएम और का अधिकांश उत्तक जो भाग होता है मृदु उत्तक का बना होता है, यानी कि पैरेन्काइमा का बना होगा। दूसरा आता है स्थूल कोण यानी कि कोलेनकाइमा, इनकी कोशिकाएं जीवित तथा लंबी होती है और भित्ति कोनों पर मोटी होती है, इनकी भित्ति सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। स्थूल कोण यानी कि कोलेनकाइमा की जो भित्ति होगी वह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। सॉरी, यह पौधों को सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आगे आता है तीसरा दृढ़ उत्तक जो कि स्क्लेरेन काइमा के नाम से जाना जाता है। दृढ़ उत्तक या लंबी सक्रिय व मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाओं का समूह है जो परिपक्व होने पर मृत हो जाती है, ये पौधों को यांत्रिक शक्तियां प्रदान करती है। ठीक है, दृढ़ उत्तक जो कि स्क्लेरेन काइमा है या लिग्निन युक्त कोशिका का समूह होता है जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरा होता है जटिल उत्तक जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जो एक इकाई की तरह कार्य करता है और ये दो प्रकार की होती है। यहाँ पर समझेंगे और यहीं पर जटिल उत्तक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आपको दिखाई देगा। जाइलम जो कि एक जटिल उत्तक है जिसका प्रमुख कार्य जल संवहन, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना एवं भोजन संग्रह करना होता है। इसकी उत्पत्ति शीर्षस्थ विभाज्योत्तक के प्रोकैम्बियन से होती है। जाइलम में चार प्रकार के उत्तक होते हैं। जाइलम में भी चार प्रकार के उत्तक होते हैं, कौन कौन सी, बाहिनिकाएं, बाहिकाएं, काष्ठ तंतु और काष्ठ मृदु उत्तक। ठीक है,
फिर आता है फ्लोएम, जो कि यह एक प्रकार का संवहन बंडल है। संवहन बंडल का मतलब होता है वैस्कुलर, जो कि संवहनीय होती है, जिसका प्रमुख कार्य पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से तैयार भोजन के पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाना होता है, यानी कि ढोना होता है फ्लोएम का काम। ये निम्न उत्कों का बना होता है, जैसे चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदुत्तक और फ्लोएम तंतु से बने होते हैं। मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम से जो ये याद रखना है कि जाइलम जो होता है एक जटिल उत्तक होता है, जबकि फ्लोएम एक संवहन उत्तक होता है। जाइलम जो है यह पौधों में कार्य संवहन करता है और जल को लाने ले जाने का काम करता है, यांत्रिक सामर्थ्य देता है और भोजन संग्रह करने का काम भी जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम जो है यह क्या करता है, फ्लोएम आपको इस प्रकार का जो संवहन बंडल होता है वो प्रदान करता है और भोजन को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में मदद करता है। फिर आता है हमारा श्रावी उत्तक, सेक्रेटरी टिश्यू। ये उत्तक विभिन्न प्रकार के पौधों का रिसाव करता है। ये कई प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बाह्य श्रावी उत्तक और दूसरा अंतःश्रावी उत्तक। बाह्य श्रावी उत्तक के अंतर्गत तेल ग्रंथि जैसे एट्रोपा, मकरंद और यूरोफोविया, हाइडाथोडस जैसे टमाटर, जौ आदि आते हैं। फिर है अंतःश्रावी उत्तक, जो कि लेटेक्स वाहिकाएं होती है जैसे पोस्ता और पपीता। लेटेक्स वाहिका में कौन आता है, पोस्ता और पपीता। रेजिन वाहिनी जैसे पाइनस, म्यूसिलेज वाहिनी जैसे साइकस। उसके बाद पौधा का पार्ट आता है रंध्र, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और यह पत्तियों की बाह्य त्वचा में अति सूक्ष्म छिद्र होती है, जिसे रंध्र कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। द्वार कोशिका और आसपास की बाह्य त्वचा मिलकर रंध्री समूह यानी कि स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बनाती है। कौन बनाएगा, द्वार कोशिका और उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है त्वचा कोशिका, वह मिलकर के। रंध्र की कार्य की बात करें तो यह बात पोसर्जन में सहायक होता है। ये वायुमंडल एवं पौधे के बीच गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फिर आता है पौधों की आयु। पौधों की आयु कहता है जिन स्थानों पर जलवायु में काफी अंतर होता है वहां कैम्बियन की सक्रियता वर्ष भर समान नहीं रहता है। बसंत ऋतु में पौधों में अधिक वृद्धि होती है। जाइलम वाहिकाएं अत्यधिक चौड़ी होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जाइलम वाहिकाएं कम चौड़ी होती है। इस असमान वृद्धि के कारण संकेंद्री वलय या वार्षिक वलय कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, असमान वृद्धि के कारण कहते हैं उसे ग्रोथ रिंग या संकेंद्री वलय। आप लोगों ने अगर देखा होगा पेड़ पौधे जब कटती है, ठीक है, तो उसको पीछे जो जहां पर काटी जाती है वहां पर देखे होंगे एक गोल रिंग सा काला जैसा दिखाई देते रहता है। अलग अलग रिंग छोटा 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 वो बड़ा होते हुए एक दिखाई देता है। वो जो रिंग होता है जिसे ही हम कॉन्सेंट्रिक रिंग या ग्रोथ रिंग बोलते हैं, या उसे हम एनुअल रिंग भी बोलते हैं। और इसी एनुअल रिंग को हम गिन करके बता लगा सकते हैं कि पौधे की आयु लगभग कितनी वर्ष हुई है ना। इन वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो पौधे की जो जालिकाएं होती है जाइलम वाहिकाएं वो चौड़ी हो जाती है, और गर्मी में जब पानी के अभाव में वह क्या होता है, फिर से सिकुड़ जाता है। इस कारण से एक रेशा बन जाता है, रिंग बन जाता है, और इसी रिंग को हम एनुअल रिंग के नाम से जानते हैं या वृद्धि रिंग के नाम से जानते हैं, जिससे कि पौधों की आयु का अनुमान हम लगा सकते हैं। क्लियर है, आज की क्लास को यहीं पर रख देते हैं। जो पादप उत्तक है यानी कि पादप कारिकी जो है, यह भी आपका लंबा चलेगा, तो अगर शुरू करेंगे तो बीच में छोड़ना सही नहीं रहेगा, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। शुरू करने पर यह पूरा करना पड़ेगा और बीच में अगर छोड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सभी को, इसे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। पादप कारिकी को हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी कि कल के क्लास में। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न या कुछ तो आप बोल सकते हैं।
तो चलिए समाप्त करेंगे आज की क्लास को। तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7:30 AM से राम बाबू जी अब करेंगे 7:30 AM से उसको भी, ठीक है। और 1 मार्च से हम आप लोगों के लिए करंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। करंट का क्लास लेकर आएंगे 1 मार्च से, यानी नए महीने से हम करंट का भी क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, पर वो पूरा डिस्क्रिप्टिव के साथ होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ सुबह में भी जरूर जुड़ें और उस वीडियो को आप देखें, और उसमें भी जैसे आज प्यार दे रहे हैं उस वीडियो को भी आशा करेंगे आप लोग प्यार जरूर देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसे भी एक अच्छे तरीके से कराने के लिए। फिर भी आप लोग अपना सजेशंस वहां पर भी जरूर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।